देखिए बच्चे, हम पहले एग्जाम्पल नंबर 3 को समझते हैं, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, देखिए बच्चे अपनी बुक में, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। ओके बच्चे, ये हमारा क्या ऑब्जर्वर है, ठीक है। इसकी जो हाइट है कितनी, देखिए 1.5 मीटर है, ओके। अभी क्या कह रहा है, ये जो है ना चिमनी से कितना दूर है, 28.5 मीटर की दूरी पर है। सपोज कि बच्चे अगर ये हमारी चिमनी होती जहां से धुआं निकलता था, ठीक है, अगर हमारी चिमनी होती, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से जो इसका डिस्टेंस है इस ऑब्जर्वर को कितना है, कितना बच्चे 28.5 मीटर, कितना है 28.5। जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसके साथ, ऑब्जर्वर की आई के साथ, तो बच्चे आपको पता है एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है। एक तो बच्चे लाइन ऑफ साइट होती है जो कि उसको ऑब्जर्व कर रही है, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी इस आई के अकॉर्डिंग होगी नहीं होगी। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है यहां पर हमें, 45 डिग्री का दे रखा है, ठीक है, कितना देखा 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। अभी हमें क्या करना है, हमें चिमनी की हाइट निकालनी है। सपोज कि बच्चे ने इसको माना ए पॉइंट, ये बी, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ओके। हमने क्या करा यहां पर, हियर ए इज द हाइट ऑफ चिमनी, है ना बच्चे। अब ये बेसिकली क्या है, जो ए है ये क्या है, चिमनी की हाइट है, क्लियर बात समझ में आ गई। और दूसरी बात, जो सी डी है, सी डी या बी एक्चुअली क्या दोनों सेम डिस्टेंस है, सी डी और बी सेम डिस्टेंस है ना, ये क्या बच्चे बेसिकली, ये क्या हाइट ऑफ देन ऑब्जर्वर। तो हम क्या लिखेंगे, सी डी इक्वल्स टू बी, दैट इज जो कि क्या है, दैट इज हाइट ऑफ एन ऑब्जर्वर इक्वल्स टू कितनी है बच्चे, 1.5 मीटर, कितनी है चौकी वाला, है ना जी। सी डी और बी बेसिकली क्या है, ये हाइट है किसकी, ऑब्जर्वर की, क्लियर बस समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। अब बात सुनो बच्चे, क्या कह रहा है कि ऑब्जर्वर का जो डिस्टेंस है, ऑब्जर्वर डिस्टेंस क्या है चिमनी से, कितनी दूरी पर, 28.5 मीटर, क्लियर अच्छा। अब बच्चे ऑब्जर्वर ये खड़ा है, ठीक है। अब मैंने कहा बच्चे मेरा जो डिस्टेंस है ये चिमनी है, इससे मेरा डिस्टेंस जो है 28.5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है बच्चे, जो मेरा ये वाला डिस्टेंस होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी तो 28.5 ही होगा कि नहीं होगा, होगा ना। यहाँ लिखिए बच्चे बी सी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 28.5 मीटर कि नहीं, समझ में आ रहा है बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं, है ना। तो ये बी सी जो है बेसिकली क्या है बच्चे, डिस्टेंस ही तो है चिमनी से किसका, ऑब्जर्वर का, है ना, ठीक है जी, ओके। तो ये जो ये भी 28.5 हो गया, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कितना दे रखा है, 45 है। यहाँ पर जो एंगल ए सी भी है कितना दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट ए ई, यानी कि हाइट ऑफ चिमनी आपने फाइंड करनी है। अब वो कैसे फाइंड करेंगे आप बच्चे बताइए, ए बी सी इज अ राइट एंगल, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, बन रहा है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना देगा हमें, 45 डिग्री देगा, कोई दिक्कत है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब देखो ये 45 डिग्री ये हमें पता है, बी सी कितना 28.5 सेंटीमीटर, बी सी कितना 28.5 मीटर है, हमें ए भी निकालना है, क्लियर है, हाँ। तो बच्चे जो ए ई है बेसिकली चिमनी की जो हाइट है वो क्या है बेसिकली, ए बी प्लस में बी ई है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी 10 45 डिग्री
इक्वल्स टू होगा परपेंडिकुलर बीज, परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज बी सी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टेन 45 डिग्री पे वाली कितनी होती है? 1 होती है। ए बी कितना है आपको नहीं पता, लेकिन बी सी कितना है? 28.5 मीटर। क्लियर है? तो यहां से हमें मिलेगा ए बी इज इक्वल्स टू 28.5 मीटर। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बच्चे ये कितना है? 28.5 मीटर। क्लियर? लेकिन निकालना क्या आपको? हाइट ऑफ द चिमनी है ना। तो आप इसको ऐसे सकते हो बच्चे, देखो ए इक्वल्स टू ए बी प्लस बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये जो पूरी लेंथ आपकी ए ही है, बेसिकली क्या है, ए बी प्लस बी ही तो है ना। और ए बी कितना आपका 28.5 है और बी कितना था 1.5, जो कि क्या है, हाइट ऑफ एन ऑब्जर्वर है। ठीक है बच्चे, ऐड करो कितना आ गया आपका 30 मीटर। क्लियर हो गया बात समझ में आ गई? तो कितना है आपका 30 मीटर। और ए बी सी की क्या हाइट ऑफ द चिमनी, तो क्या लिखेंगे, द हाइट ऑफ द चिमनी इक्वल्स टू 30 मीटर। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई? ओके ठीक है बच्चे, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। अगर आपको डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ क्वेश्चन जो है एग्जांपल 4 को डिस्कस करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स।